मैं मौत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मौत के बाद क्या होता है. इट इज़ रियल और जस्ट असम्पशंस. तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ. तो मुझे ये लग रहा है कि उसका रिएक्शन ये हो रहा है कि मेरे आसपास लोगों की मौत हो रही है. सवाल मेरे हैं पर जवाब ढूंढने वो निकल लिए हैं. हुआ है बहुत कुछ बुरा. हुआ मेरे फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया था. बट सुसाइड करने से पहले उसने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा. देख के उसका बाप बोलता है इतना एग्ज़ाम में लिख लिया होता. 4 पेज का सुसाइड नोट कौन लिखता है यार. मैंने पढ़ा, उसमें कुछ भी काम का नहीं है. कुछ भी लिखा हुआ है, छोटी बहन को प्यार देना. हम दे देंगे, तू जा. और उसके पापा टीचर हैं. तो जब पुलिस वालों ने अंकल को सुसाइड नोट पढ़ने के लिए दिया तो ब्लैक और रेड पेन लेकर बैठ गए. उसमें मिस्टेक्स निकाल रहे. हुआ है बहुत कुछ बुरा. हुआ है अभी कोविड में मेरे अंकल की डेथ हो गई, कोविड वैक्सीन की वजह से. वो हॉस्पिटल गए वैक्सीन लगवाने, वहाँ किसी ने गोली मार दी. उन्हें नहीं पता था कि कोविशील्ड लेने के लिए शील्ड घर से ले जानी होती. इस रूम में जितने भी लड़कियां हैं, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब लड़के लोग स्कूल में थे, क्लास चल रही होती थी, टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही होती थी, तब हम सब लड़कों को एक थॉट आता था कि स्कूल पर भी टेररिस्ट अटैक हो गया तो मैं बचाऊँगा. आता था ना इंडिया में हर लड़के को ये थॉट आता है. बट पाकिस्तान में किसी बच्चे को ये थॉट नहीं आता क्योंकि उनको पता है यहाँ हो जाएगा. उनका तो होता है कि सर्वर में गोली ना लग जाए, नोबेल पीस प्राइज लेना पड़ेगा. आप सबको मलाला के बारे में पता है? पता है. मैं आपको बताया मलाला के बारे में. आपको अब बुरा लगता है मलाला के लिए? लगता है अभी भी. क्या कर रहे हो आप जिंदगी में? एक्टर. उसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, उसे बुरा लगना चाहिए आपके लिए. मुझे नहीं लगता मलाला के लिए बुरा. मुझे पहले भी नहीं लगता था. मुझे बुरा उन बच्चों के लिए लगता है जो उस दिन उसके साथ बस में थे. उन बच्चों के घर वाले आज भी उनसे बोलते होंगे कि वो एक यूसुफ जाई की लड़की एक गोली खा के कहाँ पहुँच गई. थोड़ा सा बीच में ही आ जाता. और मुझे ये नहीं समझ आता था कि जब टेररिस्ट बार बार स्कूल पे अटैक करने आ रहे हैं तो इनको बिठा के पढ़ा क्यों नहीं देते. वो चीज़ नहीं है उनके पास, वो इसीलिए तो आ रहे हैं. आपने देखा होगा कोई भी टेररिस्ट कहीं भी जाता है हमेशा एक बैग कैरी करता है. क्या पता वो स्कूल आ रहा हो तब उसके अंदर बुक्स होंगे. कोई नहीं देखने जा रहा. अभी रिसेंटली नोएडा में रात को 12 बजे एक स्विगी डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट पे अपना ऑर्डर पिकअप करने गया. और रेस्टोरेंट ओनर था, वो थोड़ा खाना देने में डिले कर रहा था तो उसने उसको गोली मार दी. जब से ये हुआ है मैंने जोमेटो अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि खाना तो मिल जाता है बट ये वाली सर्विस कौन दे रहा है. उसने अपने 5 स्टार के चक्कर में किसी को स्टार बना दिया. एंड आई रेड द फुल न्यूज एंड आई फाउंड आउट कि किसी ने रात को 12 बजे पूड़ी सब्जी ऑर्डर करी थी. देखो मैं ये नहीं कहता कि नशे मत करो, मर्जी है, बट नशे करके जो सामने आ जाए वो मत ऑर्डर करो. इस समय बेस्ट बात बताऊं क्या है, बाद में वो पूड़ी सब्जी काम आ गई होगी. अभी मैं आ रहा था तो रेड लाइट पे एक भिखारी मेरे पास आया एंड ही इज लाइक कि भैया कुछ दे दो. तो मैंने बोला कि हट्टे कट्टे हो, कमाओ खाओ, भी क्यों मांग रहे हो. तो उसने ऐसे स्लीव्स ऊपर करके दिखाई कि मेरे हाथ नहीं है. तो मैंने उसको टिप दी कि अगली बार से बिना स्लीव्स वाली शर्ट पहन. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लाज जाने से पहले कि
सुसाइड पॉइंट से सुसाइड करने में कोई पॉइंट नहीं है। जब तुम कहीं से भी मर सकते हो तो क्यों जाना वादियों में? और ये कौन लोग हैं जो इतना ऊपर जाकर सोच रहे कि अब यहाँ तक आ गए तो चल ही लेते हैं। हैव गाइस इन कि लोग ऐसे पहाड़ों में जाते हैं तो रोड और माउंटेंस की पिक्चर क्लिक करके विद ए कैप्शन पोस्ट करते हैं कि रोड्स टू हेवन, और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ आती कि उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। लोग उस पोस्ट पे जाके पूछते हैं कि सो हाउ इज द हेवन, इट्स नॉट इवन अ सुसाइड पॉइंट, इट्स जस्ट अ सनसेट पॉइंट। लोग वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो चाहते हैं कोई आए और बिना रस्सी के बंजी जंपिंग करके जाए, कोई कृषि उड़ता हुआ आए और फिर उड़ ही ना पाए। और जैसा रिलेशन मेरा मेरे घर वालों के साथ है, मुझे लगता है कि अगर कभी मैंने ऐसे सुसाइड पॉइंट से सुसाइड कर लिया तो दे विल बी वेरी हैप्पी कि बेटे ने जाते जाते तो शिमला घुमा दिया। आंटी सिर्फ जोक्स हैं, आप ऐसे मत कि कहाँ लेके आ गए हो मुझे, और ये बच्चा डिप्रेस्ड क्यों है? नहीं हो डिप्रेस्ड।